इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़े होंगे, पहले से मालूम है हमें, मालूम है कि ये एक्स एक्सिस होता है, सॉरी डैश, ये वाई एक्सिस होता है वाई डैश। अब अगर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस, ये पॉइंट है हमारा ज़ीरो, इसके राइट साइड अगर जाएंगे तो क्या होता है पॉजिटिव प्लस, इसके लेफ्ट साइड जाएंगे तो होगा नेगेटिव माइनस। वर्टिकल जो वाई एक्सिस होता है इसके ऊपर अगर हम लोग जाएं, इसके ऊपर हम लोग जाएं तो ये होता है पॉजिटिव, और इसके नीचे हम लोग आए तो होता है नेगेटिव। ये चीज़ें मालूम है, बस ठीक यही चीज़ यहाँ भी होगी जब हम साइन लेते हैं, ठीक है, उसको देखेंगे पहले। यहाँ पे देखते हैं, अब ये हमारा कोई मिरर है, ये मिरर है अभी, अभी जाकर ये मिरर है, ठीक है, ये भाग है हमारा पोल, जिसे यहाँ पे, यहाँ पे ये पॉइंट ज़ीरो है, उसी तरह ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, इसका डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। एक एक करके देखते हैं, अगर ये कॉन्केव मिरर है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ये है, अब ऑब्जेक्ट की साइज को हम लोग बोलते हैं एच ओ, एच ओ मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज, रे इधर जाएगी, फोकस से पास होगी, सेकेंड रे को अगर हम लोग दूसरे कलर से दिखाएं तो ये फोकस से जाएगी, और इस तरीके से दोनों यहाँ पे मीट होती है, इसको हम लोग जो है ऑरेंज कलर से अगर दिखाएं, ये मीट हो रही है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इमेज है तो हाइट ऑफ इमेज। अब इन दोनों को देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये क्या होगा, ये ऊपर है, इरेक्ट है, तो ऊपर इस तरह ऊपर जाने पे प्लस होगा कि माइनस, यस ये प्लस होगा। इमेज की साइज, इमेज इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ है, ऐसे नीचे की तरफ है, तो इसकी साइज, इसका जो साइन होगा माइनस होगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की ये डिस्टेंस है, यहाँ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग यू बोलते हैं, यू, तो यू क्या होगा, एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड है, तो यू हमारा होगा क्या, माइनस होगा। ये इमेज है तो ये इमेज की डिस्टेंस होगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इमेज बन रहा है ना, तो इमेज की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस को वी बोलते हैं, तो वी हमारा होगा, वी वी माइनस होगा। ये हमारी फोकस है, तो फोकस से जो डिस्टेंस होती है पोल से फोकस के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, स्मॉल एफ, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ जो हमारी है वो भी माइनस होगी, है ना, ये भी हमारी माइनस होगी। फिर जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस होती है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस,
ये डिस्टेंस हमारी, इसको आर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा क्या होगा, ये भी माइनस होगा, तो नेगेटिव 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 नेगेटिव, यानी ये जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये ऊपर साइड में वाई एक्सिस में ऊपर है, तो ये पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव क्योंकि सारे लेफ्ट साइड में है, और हाइट ऑफ इमेज भी नीचे है माइनस में। क्लियर है ये? अब कॉन्वेक्स लेंस के केस में देखेंगे कि जो है साइन कैसे होते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है, हम अगर मान लें कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है। अब एक जो रे होगी वो तो पैरेलल जाएगी और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेकेंड रे हमारी यहाँ पोल के पास जाएगी, ये पोल है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये दोनों रिफ्लेक्ट हो गई, ये उस डायरेक्शन में गई, ये इस डायरेक्शन में गई, दोनों के मिलने की संभावना नहीं, यानी ये कौन सा मिरर है, ये डाइवर्जिंग मिरर है, क्योंकि ये रेज को डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्जिंग मिरर है। अब इसको हम पीछे ले जाएंगे, इसको हम पीछे, तो इट सीम्स टू मीट, इट अपीयर्स टू मीट, तो जहाँ मीट होती है पहले तो वो फोकस होगा। अब ये जहाँ मीट हुई है, दूसरी जो ये दूसरी रे इस डायरेक्शन में, ये नीचे वाली को ऊपर ले जाएंगे, हम देखेंगे दोनों यहाँ पे मिलती है, इस पॉइंट पे मिलती है। डॉटेड लाइन से बनाने का मतलब ये है कि इमेज वर्चुअल बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ये है। अब इसमें हमको देखना है कि सबकी वैल्यू क्या आएगी, साइन देखना है। तो ये है हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि हाइट हमेशा वाई एक्सिस पे ऊपर होगी, तो ये हमारी पॉजिटिव होगी। हाइट ऑफ इमेज देख लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज ये है, ये हाइट ऑफ इमेज, तो ये भी वाई एक्सिस पे जो है वर्टिकल है, ऊपर की तरफ है, तो ये भी पॉजिटिव है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट ये है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये कहाँ है, अगर इसको ऐसे हम लोग मान लें तो ये इसके राइट साइड में है, तो राइट साइड में माइनस होता है, माइनस निगेटिव वी इमेज की डिस्टेंस, तो ये पोल है, यहाँ से ये इमेज है, यहाँ डिस्टेंस है, लेकिन ये लेफ्ट साइड में है, सॉरी पहले वाला लेफ्ट साइड में था, पहले वाला लेफ्ट साइड में था तो माइनस हो गया। अब ये जो है एक्स एक्सिस पे राइट साइड में है, तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव। उसके बाद क्या हो गया, क्या रह गया, हाँ फोकस, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकस हमारा ये है, तो यहाँ से जो ये है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो हमारी फोकल लेंथ होगी, तो ये जो है लेफ्ट साइड में है एक्स एक्सिस पे, तो ये भी माइनस होगा। उसके बाद आ गई रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये डिस्टेंस है, तो आर इसकी वैल्यू भी माइनस होगी क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड है। तो साइन कन्वेंशन में ये हमें कब काम आता है, ये हमें न्यूमेरिकल करने के काम आता है, जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो वहाँ पे अगर प्लस माइनस में एक जगह भी मिस्टेक होगा तो पूरा न्यूमेरिकल हमारा गलत हो जाता है, तो इससे ये हमें ये पता चलता है। तो पहले
इमेज हम दिमाग में ड्रॉ कर सकते हैं, रफ कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं, और उससे पता कर सकते हैं कि जो भी वैल्यू हमें दी गई है वो पॉजिटिव होगी कि निगेटिव। बाकी फार्मूला यूज करेंगे आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से साइन कन्वेंशन क्लियर है, बहुत ईजी है। अगर ऊपर है तो प्लस, नीचे है माइनस, ऊपर है प्लस, नीचे है माइनस, लेफ्ट में है माइनस, राइट में है प्लस, बस इतना है साइन कन्वेंशन। अब मिरर फार्मूला देख लेते हैं। मिरर का जो फार्मूला होता है, वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू। एफ फोकल लेंथ, वी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ये लिखा हुआ भी है। मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन की डिफिनीशन क्या होती है, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज। द मैग्निफिकेशन, एम मीन्स मैग्निफिकेशन, इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एच आई मीन्स इमेज की हाइट, साइज बोलो या हाइट बोलो एक ही बात है। एच मीन्स हाइट, आई मीन्स इमेज, एच मीन्स हाइट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, तो इन दोनों का रेशियो होता है। मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला होता है, अभी हमने क्या पढ़ा कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी इमेज का जो डिस्टेंस, आई माने इमेज, इमेज की जो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसका रेशियो भी मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं। यहाँ माइनस क्यों हुआ, तो माइनस जो है वो किस साइड में पड़ रहा है सेंटर के, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ और पॉइंट की बात है कि मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर इन्वर्टेड इमेज। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है इसका मतलब इमेज इन्वर्टेड है, इमेज इन्वर्टेड है इसका मतलब मैग्निफिकेशन माइनस होगा। पॉजिटिव फॉर इरेक्ट इमेज, यानी अगर पॉजिटिव है तो इरेक्ट इमेज होगा, अगर इरेक्ट इमेज है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। सो मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में तो हमेशा इरेक्ट इमेज बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है तो वहाँ पर हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन कॉन्केव मिरर में कभी कभी इमेज जो है इस साइड भी बनता है, तो उस केस में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए कुछ मत करो, इमेज मिरर बनाओ, प्रिंसिपल फोकस बनाओ, ये ऑब्जेक्ट का ये फोकस दिखा दो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखा दो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखने को बोल रहा है वहाँ रख दो, अब उसके बाद बस इमेज ड्रॉ कर लो, देखो जहाँ बन रहा वहाँ वैल्यू आएगी, ठीक है, बस।